वेलकम, हेलो और नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी सुपर टेस्टी बबली चॉकलेट। इसे मैं विदाउट मोल्ड बनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये बॉक्स कवर लिया है। अब इसे शेप देने के लिए कोई भी बॉक्स यूज कर सकते हैं। फिर लेना है फॉइल पेपर, जिसे मैंने कट कर लिया है, और फिर इसे अब मैं इस बॉक्स में अच्छे से सेट कर लूँगी। चॉकलेट बार सेट करने के लिए ना हम प्लास्टिक बॉक्स या फॉइल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखिए, बबली बार शेप देने के लिए फॉइल मोल्ड रेडी है। है ना काफ़ी इजी। इस तरह हम घर पर ही मोल्ड रेडी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट मैंने लिया है ये ओरियो वन पैक बिस्किट। तो सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर लेती हूँ। और अब बिस्किट से क्रीम अलग कर लेना है। ये देखिए, ये काफ़ी इजीली हम ऐसे निकाल सकते हैं। और ना ये रेसिपी काफ़ी इजी, टेस्टी और फास्ट है, तो आप इसे बनाकर फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों को भी घर में सरप्राइज दे सकते हैं। और फिर अब इन बिस्किट के छोटे टुकड़े करने हैं और इसे ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने लिया है ये मिल्क व्हाइट चॉकलेट और ये है बिस्किट की क्रीम। और अब मैं इस व्हाइट चॉकलेट को पहले कट कर लेती हूँ। यमी मिल्की टेस्ट के लिए व्हाइट चॉकलेट जरूर यूज करें। ये देखिए, ये चॉकलेट को अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए, बिस्किट पाउडर रेडी है। इसे मैंने सीव भी कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये मिल्क, जिसे स्पून से थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। यहाँ मिल्क बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का यूज करना है, गर्म बिल्कुल भी ना हो। 4 to 5 स्पून मिल्क में ये काफी अच्छा परफेक्ट डो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूंगी और इसे फिर से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए इसका अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये डो रेडी है। इसे दो भाग में ऐसे कट कर लेते हैं और फिर इसके रोल बना लेने हैं। फिर मैं इसके छोटे पीसेस कट कर लेती हूँ। अब इस टाइप से इसके छोटे बॉल बनाने हैं और फिर ये क्रीम इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है और इसे अच्छे से कवर करना है। सारे बॉल इसी टाइप से रेडी करके इस ट्रे में सेट कर लेते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। अब ये सारे बॉल रेडी हैं, इसे मैंने इस ट्रे में सेट कर लिया है। और अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी चॉकलेट क्रीम। तो इसके लिए मैंने ये व्हाइट चॉकलेट इस बोल में रख लिया है। ये चॉकलेट काफ़ी जल्दी मेल्ट होती है, इसलिए मैंने इसे प्री हीट तवे पे रखा है, फ्लेम ऑन नहीं किया है। फिर इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कोको पाउडर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इस क्रीम को इस मोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे सारे ओरियो बॉल अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए, इसे इस तरह से सेट करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और ये टेस्टी चॉकलेट रेडी है। और अब आप जल्दी से इस ओरियो बबली बार को ट्राई करें, खाएं, खिलाएं और इंजॉय करें। और अब आप करें इंतजार, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।